हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुणाल शर्मा फिटनेस। काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ, मेरा वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। मैं एक्चुअली थोड़ी छुट्टी पे गया हुआ था, एंड गॉन टू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग। और आप तो जानते हैं कि एक बार बंदा छुट्टी पे चला जाता है और अगर किसी वेडिंग पे जा रहा है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑल यू फ्रेंड्स, ऑल यू अली गाइज आउट देयर, जो भी वीडियोज़ बनाते होंगे या जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते होंगे, उन्हें एक आइडिया होगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू एक्चुअली कंटिन्यूसली मेक अ वीडियो। उसके एडिटिंग में टाइम जाता है, काफ़ी कुछ होता है। तो उस चक्कर में मैं ये सब बना नहीं पा रहा था। नाउ दैट आई एम बैक, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आपके लिए वीडियोस फिर बनाता रहूँगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पाया, अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं वीडियोस बनाना फिर से शुरू कर सकता हूँ। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। एक क्विक वीडियो है आज, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि एक कमबैक वीडियो है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक क्विक वीडियो है और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इंडियन चाय के बारे में, इंडियन टी के बारे में। आई एम श्योर आप सब लोगों को काफ़ी पसंद होगी इंडियन टी, और इंडियन टी के बारे में ही आज मैं आपसे बात करूँगा। काफ़ी घरों में, हर जगह पे, ऑफिसेज में, घरों में, हर जगह काफ़ी पॉपुलर बेवरेज है ये, और सब लोग की पसंद की है। तो उसी के बारे में एक क्विक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि इंडियन टी आपके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है या कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। सो वॉट इज़ इंडियन टी? इंडियन टी क्या है? इंडियन टी बेसिकली एक बेवरेज है, जो आप सभी को पता ही है कि मुझे आपको उसके बारे में बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली उसके क्या, किस तरह से बनाई जाती है, क्या होता है। चाय पत्ती ली जाती है, चाय पत्ती को पानी में डाल के उसे उबाला जाता है, उसमें फिर चीनी वीनी डाल के आप उसी तरह से उसे बना सकते हैं और उसे पी सकते हैं। लेकिन इंडियन टी आपके लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है या कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी शुगर डालते हैं। आप एडिक्ट जो होंगे, अगर आप चाय के एडिक्ट हैं, आप चाय के आदि हैं, तो आप चाय के आदि नहीं हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एडिक्टेड टू टी, यू आर एडिक्टेड टू शुगर। तो अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे, अगर आप शुगर को अपने चेक में रखेंगे, तो चाय आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। क्योंकि चाय में क्या डलता है? चाय पत्ती होती है। चाय पत्ती, उसके ऑब्वियसली बेनिफिट्स हैं चाय पत्ती के, चाय पत्ती आपको हार्म नहीं करने वाली है। उसके साथ आप उसमें क्या डालेंगे? इलायची डालेंगे, तुलसी डालेंगे, अदरक डालेंगे, ये सारी चीज़ें डालेंगे। आप लौंग डाल सकते हैं, सिनेमन, दालचीनी जिसे कहते हैं, क्लोव्स डालेंगे, ये सब कुछ ही डालेंगे। तो इसके तो काफ़ी बेनिफिट्स ही हैं, तो ये आपको ऑब्वियसली हार्म नहीं करने वाला है। हार्म आपको क्या करता है? हार्म आपको करता है शुगर। शुगर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हार्म करेगी। तो आप अगर शुगर का आपका जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर वो चाय में आपके एकदम चेक में है, तो आपको चाय बिल्कुल हार्म नहीं करेंगी। मैं खुद दिन में 2 या 3 कप चाय के पीता हूँ। इस वक्त भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा चाय का कप। अगर आपको अगर नज़र आ रहा हो किसी तरह, तो ये देख लीजिए, मैं चाय ही पी रहा हूँ इस वक्त। रात के इस वक्त 4 बजे हैं, 4 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मैं चाय पीते पीते ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं आपके सामने मैं चाय पी सकता हूँ, आपके लिए दिखा सकता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं चाय का खुद एक बहुत बड़ा शौकीन हूँ। ऑल यू गाइज आउट देयर हू एक्चुअली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, या अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, तो हर कोई जानता है कि मैं चाय कितनी ज़्यादा पीता हूँ और मुझे चाय का कितना ज़्यादा शौक है। लेकिन ये जो मैं चाय पी रहा हूँ, इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शुगर ना लें, लेकिन अगर आप शुगर ले रहे हैं तो आप टी स्पून यूज़ करिए। इसलिए उसे टी स्पून कहा जाता है, बिकॉज वो चाय का के क्वान्टिटी के हिसाब से वो शुगर डलती है उसमें, विच बी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 grams ऑफ शुगर। आप वो टीस्पून यूज़ करिए, ना कि टेबलस्पून यूज़ करेंगे, या अगर आप बड़ा चम्मच यूज़ करेंगे शुगर का, तो जितनी ज़्यादा शुगर आपके अंदर जाएगी, तो वो तो आपको डायबिटिक कर सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकती है। शुगर आपको हार्म करेगी, चाय आपको हार्म नहीं करने वाली। तो बस उसी की इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली फैट लॉस प्रोग्राम पे हूँ उस वक्त। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, आई एम ट्राइंग टू श्रेड, रिप कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद मैं चाय पी रहा हूँ। चाय में आपने इतना सा दूध डालना है, दूध भी कौन सा होगा? आप स्किम्ड या टोन मिल्क यूज़ करेंगे, आप फुल क्रीम मिल्क तो यूज़ करेंगे नहीं। इतनी समझ तो शायद आपको भी होगी कि फुल क्रीम मिल्क यूज़ करने से आपका फैट ही बढ़ेगा। स्किम्ड मिल्क यूज़ करेंगे, पानी यूज़ करेंगे, चाय ले लीजिए, उसमें आप जैसे कि मैंने ऐड ऑन्स बता दिया आपको, तुलसी, अदरक, इलायची, लौंग, सिनेमन, सौंफ, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके आप चाय बना लीजिए। लेकिन शुगर का कंट्रोल रखिए। शुगर को आप कंट्रोल में रखेंगे तो चाय आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। अगर आप शुगर में कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो आप दिन में 4-5 कप चाय पीते जाएंगे, तो आपको ऑब्वियसली चाय हार्म करेगी। तो आप शुगर पर एक चेक रख लीजिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड अदरवाइज। सो दिस वॉज अ क्विक वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को,
मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब पेज, इसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस इसी तरह आपका प्यार आप मेरे लिए बना के रखिए, मैं आपके लिए क्विक वीडियोज़ और बनाता रहूँगा, बेनिफिशियल वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगेन आई एम रियली सॉरी कि मैं आप बीच में एक ऑलमोस्ट अ मंथ मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया, बिकॉज आई वॉज ऑन अ वेकेशन, मैं बाहर गया हुआ था, सो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ, ट्रैवल कर रहा था, तो आई कुडंट रियली गेट द चांस टू मेक वीडियोज़। नाउ दैट आई एम बैक, आई कैन गारंटी कि मैं आपको एवरी वीक आपको दो तीन वीडियोज़ मेरे ज़रूर 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 मिलेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और चाय ज़रूर पीते रहिए। चीयर्स। हाँ 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 स्वाद आ गया।